गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ, गुरु का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। हमारे जितने बच्चे यहां आए हैं, मैं नहीं जानता कि किन लोगों ने मेरे से क्या पाया, परंतु बच्चे प्रेम करते हैं ये हम जानते हैं। इसलिए आए, इनका प्रेम, चलो 9 दिन गुरु जी के साथ रहेंगे, आनंद होगा। तो देखो, ये प्रेम है, यही श्रद्धा स्वरूप है, क्योंकि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उसी से हमको प्रेम होता है, और जिससे हमको प्रेम होता है वह हमको ऊर्ध्व यात्रा कराता है। किसकी? भक्ति की, भगवती की, भगवान की। हमारा आपका प्रेम संसार का प्रेम नहीं, हमारा आपका प्रेम परमार्थ का प्रेम है। श्री लक्ष्मण जी महाराज निषाद जी को समझाते हुए कहते हैं, हे मित्र, आप अन्यथा रो रहे हैं, श्री सीताराम प्रभु जी सो रहे हैं, उनको देखकर आप रो रहे हैं, यह प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? हम जिससे प्रेम कर रहे हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है, उसको जैसा अनुकूलन लगता है भक्ति में, उस प्रकार जीवन जीना, ये प्रेम है। अपने ढंग से नहीं, अपने तरीके से नहीं। जैसे भगवान शिव से हमको प्रेम हो, मां भगवती से हमको प्रेम हो, तो आप अपने ढंग से न पूजन कर सकते हो न भजन कर सकते हो। आजकल तो समय ऐसा चल गया है, जिसको जैसे मन करता वैसे ही करता है, कहने में नहीं आता है। लोगों का भगवत प्रेम अपने तरीके का, अपने ढंग का हो गया है। शास्त्र में क्या लिखा है, ऋषियों ने क्या बताया, संतों ने क्या बताया, व्यास जी ने क्या बताया, पराशर जी ने क्या बताया, याज्ञवल्क्य जी ने क्या बताया, कोई लेना देना नहीं। अपने स्टाइल का प्रेम करते हैं और उसको भक्ति भी मानते हैं कि हम भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करते हो भाई? भक्तराज प्रहलाद ने तो नव ढंग बताए, मेरे प्रभु ने शबरी अम्मा से नव ढंग बताए, आप इसमें कौन सा करते हो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा छठ दम शील विरति बहुकर्मा सातम सम आठम यथा लाभ संतोषा नवम सरल। नव में से कौन करते हो? नहीं, ये तो मेरी अपनी स्टाइल है। हमको बंबई में एक मिले कथावाचक, तो वो चंद्राकार तिलक लगाए थे, फिर लंबा भी लगाए थे, फिर एक काला टीका भी लगाए थे, फिर लाल वाला भी लगाए थे। तो मैंने पूछा, महाराज जी बड़ा सुंदर लग रहा है, आप किस परंपरा से हैं? बड़ी अच्छी बात, बोले महाराज जी मेरी अपनी परंपरा। अब आप बताओ, मेरी, अब आप देखो, पूज्यपाद गोस्वामी जी शिव जी को गुरु क्यों मानते? चालीसा जी में तो कहते हैं, जय 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 हनु करो गुरु देव की नाई,
प्रणव मुदे जैसे कृपा करते हैं वैसे आप कृपा करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब देखिए, आप कृपा करें, कृपा करें, रे पर बिंदी है, अंग की मात्रा। आजकल का जो फैशन आया है, कृपा करे हम करेंगे, हिंदी बिंदी से बनती है भाई साहब, हिंदी बिंदी से बनती है, ठीक है ना? श्री किशोरी जी की बिंदी सौभाग्यवती माताएं चढ़ाती हैं माथे में सिंदूर, एक बिंदी जरूर लगा लेती है। ये क्या है? ये प्रसादी है, श्री किशोरी जी की प्रसादी है, चढ़ा ले, भागवत भाव है। श्री हनुमान जी से बाबा प्रार्थना करते हैं, कृपा करिए, कृपा करी गुरुदेव की नहीं। और भोले बाबा में सहज श्रद्धा है, जिनका मेरे में सतत गुरु भाव, पुत्र भाव उनका, शिष्य भाव उनका, और मेरा उनमें गुरु भाव, मातृभाव, पितृभाव, देव भाव। अरे प्रार्थना श्रद्धा, अब देखा जाएगा बाबा ने श्लोक कितना, तीसरे श्लोक में कितनी अद्भुत बात कही, भवानी शंकरौ वंदे, मां भगवती और शिव उभौ वंदे, क्यों वंदे? अत उभौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा कौन? अतो भवानी जी। विश्वास कौन? अतो भोले बाबा। क्यों वंदे? बिना वंदन किए, बिना श्रद्धा भय, और जिसमें हमारी श्रद्धा उसमें हमारा अत्यंतिक विश्वास दृढ़ हुए बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जब तक हमारी श्रद्धा बलवती नहीं होगी, और जिसमें श्रद्धा है उसके प्रति विश्वास नहीं होगा,